हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राज कॉमिक्स के एक अन्य सुपरस्टार भोकाल के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोकाल परीलोक का एक पंखों वाला लेजेंडरी योद्धा है और भोकाल पृथ्वीलोक पर आया था अपने एक निजी उद्देश्य के लिए और उसने अपनी रुकने की जगह बनाई विकासनगर में। वैसे तो भोकाल इसका असली नाम नहीं है, भोकाल नाम इनके गुरु भोकाल का है, लेकिन जब यह भोकाल शब्द जोरों से बोलते हैं तो इसमें महागुरु भोकाल की शक्तियां आ जाती हैं। इसका असली नाम राजकुमार आलोप है। भोकाल के सबसे पहले हमें दर्शन हुए थे कॉमिक्स खौफनाक खेल में। इसके बाद कॉमिक्स आई तिलिस्मी ओलंपाक। शुरुआती कॉमिक्स में भोकाल ने एक दल का निर्माण किया था जिसमें इसके साथ तुरीन, जो कि एक दूसरे ग्रह की थी, जो कि भोकाल के प्यार में पड़ी तथा बाद में शादी भी की थी। शुतान एक जादूगर सम्मोहन सम्राट जो अपनी शक्तियों से किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। अतिक्रूर जो कि काफ़ी शक्तिशाली योद्धा था, उसके पास दंतक होता है। ये चारों इस दल में होते हैं जो फुनचांग के द्वारा रचे चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और आखिर में भोकाल फुनचांग को मार देता है क्योंकि फुनचांग ने भोकाल के माता पिता को मार दिया था। इसके बाद भोकाल वापस अपने ग्रह परीलोक में जाने के बजाय विकासनगर राज्य में राजा विकास मोहन के पास ही ठहर जाते हैं। अगर हम भोकाल के निजी जीवन की बात करें तो भोकाल का पहला प्यार तुरीन थी, जिसके साथ भोकाल ने शादी भी की थी, लेकिन विकासनगर के दुश्मन अब भोकाल के दुश्मन भी हो गए थे, जिनमें प्रमुख है रानी माया, तंत्र मंत्र की धनी, गुणिक, हेमराज, काल, महारावण, छदम, बाबा यागा इत्यादि। भोकाल की पत्नी तुरीन को हेमराज ने धोखे से हिमालय की पहाड़ियों में मार दिया, लेकिन भोकाल उसे बचा नहीं पाया क्योंकि भोकाल उस समय विकासनगर की सुरक्षा में लगा हुआ था। तुरीन की मौत ने भोकाल को पागल कर दिया था, जिसका फायदा उठाया रानी माया ने। बाद में कॉमिक सात सवाल में भोकाल लेने गया तुरीन की आत्मा को और आखिर अपने प्यार को वापस ले आया। कॉमिक्स लौट आई तुरीन में, लेकिन जब तुरीन को पता चला कि भोकाल ने सलोनी और रूपसी से शादी कर ली है तो तुरीन ने भोकाल को छोड़ दिया, लेकिन यह सब करवाया था रानी माया ने अपने तंत्र मंत्र और जादुई शक्तियों के द्वारा। रूपसी राजा विकास मोहन की भतीजी है तथा पड़ोसी देश की राजकुमारी। वहीं भोकाल की तीसरी पत्नी सलोनी एक धनुषधारी निशानेबाज है, लेकिन भोकाल ने इन दोनों को कभी प्यार नहीं किया था क्योंकि उसका सच्चा प्यार तो तुरीन था जो अब बिछड़ चुका था, लेकिन भोकाल कसम में बंधा हुआ था और इन दोनों को कभी छोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे भोकाल से सभी अपने दूर होते जा रहे थे। अब शुतान की बारी थी। शुतान को उसके दुश्मनों ने कॉमिक्स चीता घाटी में मार दिया था, लेकिन कई सालों बाद शुतान वापस आया कॉमिक्स घर आया शुतान में। शुतान की पत्नी थी वेणु। अतिक्रूर भी भोकाल के साथ कुछ ही समय तक रहा, बाद में पिकू पकौड़िया के साथ शादी करके अपने ग्रह चला गया था। अब हम भोकाल के मित्रों और चाहने वालों के बारे में जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है तुरीन का, तुरीन की बिल्ली कपाला। रूपसी भोकाल की दूसरी पत्नी, सलोनी भोकाल की तीसरी पत्नी, शुतान वेणु शुतान की पत्नी, लड़ाकी शुतान की दूसरी पत्नी, अतिक्रूर और पीकू पकौड़िया अतिक्रूर की पत्नी, तिल्ली तंत्र मंत्र का ज्ञाता जिसने भोकाल तथा तुरीन को बचाया था कॉमिक्स तीन चुड़ैले में, विकास मोहन विकासनगर का राजा, श्वेता विकासनगर की राजकुमारी, अंकित विकासनगर का राजकुमार। भोकाल एक दिलचस्प किरदार बनाया था। भोकाल की कॉमिक्स की स्टोरी काफ़ी यूनिक होती थी, जिसे पढ़ने में एक अलग ही जादुई दुनिया का एहसास होता था।
तंत्र मंत्र, रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ इत्यादि ये कहानियाँ हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं और रोमांच का एक नया एहसास करवाती हैं। भोकाल की शुरुआती कॉमिक्स में भोकाल का तिलिस्म चक्रव्यूह में फंसना, तिलिस्म को तोड़ना, तुरीन शुतान अति क्रूर का मिलना काफ़ी ज़्यादा शानदार कंसेप्ट लिया गया था, लेकिन बाद की कॉमिक्स में भोकाल उलझा रहा विकासनगर में अपने आप में, लेकिन भोकाल को दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला।